15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस को देखते हुए जयपुर पुलिस ने सुरक्षा व्यवस्था को चाक चौबंद कर दिया है। संदिग्ध गतिविधियों से निपटने के लिए राजधानी में जयपुर पुलिस का अतिरिक्त जाप्ता तैनात किया गया, तो वहीं रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, मॉल्स, मंदिर, मस्जिद समेत भीड़भाड़ वाले स्थानों पर पुलिस ने विशेष निगरानी शुरू कर दी है। इसके तहत जयपुर नॉर्थ इलाके में DCP पारस देशमुख ने पुलिसकर्मियों की बैठक ली, जिसमें नॉर्थ जिले के पुलिस अधिकारी उपस्थित रहे। बैठक के बाद नॉर्थ इलाके में पुलिस की ओर से जलेब चौक, होटल खाना बदोश, सुनसान बिल्डिंग, होटल, ढाबों में जाकर पुलिस की ओर से जांच की जा रही है। साथ ही पूरे इलाके में भारी पुलिस जाप्ते के साथ चेकिंग अभियान चलाया गया। ACP राजवीर सिंह ने बताया कि स्वतंत्रता दिवस तक इलाके में इसी प्रकार से पुलिस की अतिरिक्त गश्त और जांच जारी रहेगी। पंद्रह अगस्त को मद्देनजर रखते हुए श्रीमान DCP परिश देशमुख साहब ने आज सुरक्षा संबंधी चाक चौबंद व्यवस्था के लिए आज कोतवाली परिसर में समस्त नॉर्थ की एक मीटिंग ली और उसमें विशेष निर्देश दिए, जिसमें सभी होटल, ढाबा, सराय और ये चौक चेकिंग करने के लिए, सोनी बिल्डिंग चेक करने के लिए और जो भी खानाबदोश और जो भी जलेबी चौक में जितने भी बरामदों में खानाबदोश वगैरह के सारे सकूनत तस्दीक और इनकी ID वगैरह चेक कर करके और इनको लिस्टबद्ध करने के निर्देश दिए। इसके अलावा पूरे जिले में सभी ACPs को टास्क दिए हैं, जिसमें सभी थानाधिकारी अपने अपने क्षेत्र में सभी ऐसे स्थान संदिग्ध स्थान जहां भी हो वो चेक कर रहे हैं।